नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लोना, ICC अकेडमी अबोहर पंजाब से। CTET 2018 की जी जो अंतिम तिथि है जी वो निकल चुकी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका फॉर्म जो है जी किसी वजह कारण जी इनकम्प्लीट रह गया। लास्ट के जी 2-3 दिनों में जी साइट पे जी ज़्यादा लोड पड़ने के कारण साइट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में जी कुछ स्टूडेंट के फोटो जो है अपलोड नहीं हो पाए, कईयों के सिग्नेचर रह गए जी, इस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही थी। तो CTET की तरफ से जी अब जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है जी, तो उसमें क्या बताया गया जी, आप देख सकते हैं जी, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर CTET 2018। तो इसमें क्या गिवन है जी, द पोर्टल इज ओपन एज वन टाइम मेजर फ्रॉम 30th अगस्त टू 2nd September जी फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन और बिफोर द लास्ट डेट 27 अगस्त जी 2018। जैसा कि हम लोग जानते हैं जी, 27 अगस्त जी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। जिन कैंडिडेट ने अपने आप को इस डेट से पहले रजिस्टर कर लिया है उनको ये मौका दिया गया है, यानी नए स्टूडेंट के लिए मौका नहीं है, सिर्फ उन्हीं को मौका दिया गया है जिनके किसी वजह कारण फॉर्म इनकम्प्लीट रह गए हैं, वो इसको जी कम्प्लीट कर सकते हैं। और उसके लिए जी मौका दिया गया 30 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। अगर किसी की जी फीस जमा नहीं हो पाई है तो उसके लिए जी जो वक्त दिया गया है नीचे मेंशन किया है जी, 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, लेकिन ये अप टू 2 PM तक के जी, वेडनेसडे तक जी। इसलिए सभी स्टूडेंट को ये सजेस्ट किया जाता है जिनके फॉर्म अभी पेंडिंग है, किसी वजह कारण जी कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो जी 2 सितंबर तक इसे कंप्लीट जरूर कर लें जी, क्योंकि इन्होंने लास्ट में क्लियर कट मेंशन कर दिया है, ऑल सच कैंडिडेट्स में कंप्लीट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय अपलोडिंग फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो निर्धारित समय उसमें ये कंप्लीट कर लें, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी गिवन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालात में जी इसके लिए कोई और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, पेपर के लिए जी जो डेट है जी वो 9 दिसंबर फिक्स की गई है जी, 9 दिसंबर 2018 को जी, यानी 2nd Sunday को पेपर होगा जी। तो जी स्टूडेंट्स, इसके लिए जी आपको पर्याप्त वक्त मिल गया है जी, तो इसके लिए जी डट के लग जाएं और किसी तरह की कोई कमी न रहने दीजिए, और इस इन्फॉर्मेशन को जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्म इनकम्प्लीट है तो उसका फॉर्म जी कम्प्लीट हो जाए जी। थैंक यू जी।